आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है, बताना क्या बताना है। जो रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पे बताना क्या है। तो व्यापक और मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर केंद्रित है। क्या है हमने क्या बोला? सतत और व्यापार मूल्यांकन मुख्य रूप से किस मुख्य रूप से बच्चे में सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए केंद्रित। यह शिक्षक आकलन के साथ ही छात्रों के विकास के लिए सह शिक्षिक पहलुओं को भी शामिल करता है। क्या कहता है? सह पहलुओं को भी शामिल करता है। लिखेंगे सतत और व्यापक और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे में सुधार के लिए क्या जाएगा? मुख्य रूप से बच्चे में सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर केंद्रित है। क्या जाएगा? परीक्षण करने पर केंद्रित है। यह शैक्षिक आकलन के साथ ही छात्र के विकास के लिए सह शैक्षणिक पहलुओं को भी शामिल करता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। सेकेंड है, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन। थर्ड ऑप्शन है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। फोर्थ ऑप्शन है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थी को उच्च स्तरीय मतलब अगली कक्षा का प्रोन्नत करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल और केवल हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।